तो में से एक है इसमें इसकी खासियत यह है कि इसमें धा नामक बोल जैसे कि पूरी बंदिश का सफर करता हुआ जाएगा और सीधे सम से जाकर मिल जाता है तो धा का सफर इसमें दिखाया गया है सफर है ये जिस दिन पैदा हुई उसी दिन शुरू हो गया था क्योंकि सब जो है वो निश्चित ही है उसी हिसाब से हमको ग्रह मिलते हैं उसी हिसाब से परिस्थिति बनती है उसी हिसाब से नियति हमें हमारा मार्गदर्शन करती है उसके बिना नहीं हो सकता तो मैं तो यही कहूंगी कि क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं वो भी सब गायन वादन शैली से ही जुड़े हुए थे मुरादाबाद में तो उनकी वजह से जो है एक लगाव कला के प्रति जो है वो पैदा होते ही था लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी उड़ान भर सकती है ये फ्लाइट ये नहीं पता था ये तो बाद में पता चला शुरू में तो था कि ठीक है अच्छा लगता है और मुरादाबाद शहर में कथक जैसा कुछ था भी नहीं इतना प्योरिटी के साथ में कि हम उड़ान भरने के सपने देख सकें लेकिन फिर भी जो एक पोटेंशियल इंसान का अपना जो एक ताकत होती है भीतरी ताकत वो खींचती है आपको तो उस वजह से पद चिन्ह तो नजर आ ही जाते हैं कि हम कितने दूर तक जा सकते हैं तो मेरे जो स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे मैंने जिनमें मैं पढ़ा करती थी तो अपनी टीचर्स को डांस सिखाना तो मैं कभी भी बॉलीवुड नहीं नाचती थी मैं हमेशा सेमी क्लासिकल नाचती थी तो क्लासिकल के प्रति शास्त्रीयता के प्रति लगाव तो मुझे पहले से ही था तो अगर मैं यहाँ पर जैसे पंख होते तो उड़ाती रहे थोड़ा सा जिसमें क्लासिकल का टच आ जाए या तेरी पायल मेरे गीत तो जो मतलब जिसमें क्लासिकल का रस है वही जो सॉन्ग थे या जंगल में मोर नाचा किसने देखा तो इस तरीके के मैं जो थी बचपन से मैं किया करती थी और कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उसमें ऐसा होता था कि अगर मैं आ गई तो कहते थे कि भैया फर्स्ट तो गया सेकंड की चिंता करते थे सब इतना ज्यादा मतलब मैं क्रेज के साथ में उसको रियाज उसका भी रियाज करती थी उसका भी रियाज करके पूरा अब ड्रेसअप होके अच्छे से हाथ पैर पूरा बढ़िया से और दिल से नाचती थी मेरा एक ही नियम था दिल से नाचू तो दिल को मैंने हमेशा अपने नृत्य के साथ जोड़ के रखा है शुरू से तो मैं ये किया करती थी फिर उसके बाद में यहाँ पे जो कथक सिखाते हैं इंद्र कुमार सर करके तो जहाँ यहाँ जो उपलब्ध हो सकता था हर माँ बाप कोशिश करते हैं तो मेरी मम्मी ने मेरी जो माँ है उन्होंने उनके पास आ, उनको बुलाया यहाँ उपलब्ध कराया मेरे लिए नृत्य नृत्य शिक्षा के लिए तो उसके बाद में फिर मैंने भारतीय कला केंद्र ज्वाइन किया 1995 में और मेरी जयपुर घराना की जो प्रॉपर ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट हुई तो वहां मैं दो साल रही भारतीय कला केंद्र में नंदिनी सिंह जी के पास में जयपुर घराना को लेके मैंने स्टार्ट किया फिर उसके बाद मैंने कथा केंद्र ज्वाइन किया नाइनटीन में फिर वहां मेरी पांच साल की जो शिक्षा कहो वो पूरी पूरी जो है नृत्य में भीगते हुए हुई है काफी मैंने जद्दोजहद की है अपने साथ भी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कथक का कोई नहीं है हाँ गाते बजाते थे मेरे जो ताऊजी हैं यानी कि मेरे फादर के जो पिता के जो बड़े भाई हैं वो जलतरंग प्लेयर थे जो कि वर्ल्ड में दो तीन ही हैं ऐसा है उनका था और वो एक ग्रेट आर्टिस्ट थे तो उसमें एयर इंडिया में और परफॉर्म भी करते थे जल तरंग और मेरे दादाजी भी तबला बजाते थे उनके ब्रदर गाते थे तो बैकग्राउंड भले ही म्यूजिकल थी लेकिन कथक का कोई संबंध नहीं था कि जो मुझे कोई सपोर्ट करे और मैं आगे बढ़ सकूं और वो भी थे तो वो मुरादाबाद तक ही सीमित थे लेकिन मैं जो उड़ान भरने जा रही थी वो समझ लीजिए कि लंबी उड़ान थी तो कतर केंद्र पहुंचना एक लंबी उड़ान भरने का जैसा ही है तो मैंने कोशिश की काफी वहां जद्दोजहद से मेरा जो है नृत्य शिक्षा का जो वो है यात्रा वो गुजरी है तो इस तरह से धीरे धीरे जो है नृत्य में आगे बढ़ी हूँ मैं मैं अपने भाई बहनों में तीन भाई में एक ही हूँ इकलौती और मैं सबसे ज्यादा शैतान मुझसे ज्यादा कुराफती कोई नहीं हो सकता था और मैं ही अपने भाइयों को भी भड़काती थी सब कुछ मैं ही करती थी और पिटती भी मैं ही थी अपने माँ बाप से लेकिन वो सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैंने उनकी मार खाई है तो उस मार का मजा लिया है और शैतानी लेकिन कभी कम नहीं की मार अलग चीज है शैतानी अलग चीज है उससे कोई कंप्रोमाइज मैंने कभी किया नहीं तो मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने मेरी शैतानी को छेड़ा है तो दो वाक्य ऐसे हैं जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती तीन वाक्य ऐसे है कि वाक्य तो बहुत है अब आप आपने बोला तो याद आ रहे एक बार मेरी माँ ने मुझे बोला मतलब मैंने अपनी मदर को बोला वो नई साड़ी लाई थी लाल रंग की तो मैंने उनको बोला कि मुझे गुड़िया की शादी करनी है तो आप ये साड़ी मुझे दे दो क्योंकि मैंने सुना था दुल्हन तो लाल रंग पहनती है उन्होंने बोला नहीं बेटा ये तो मैं अभी खरीद के लाई हूं नई नई साड़ी अभी बस खरीद के बैठी हूं, ही हूं लेकर ही आई थी वो जस्ट तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ये नहीं मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगी लेकिन मुझे वो साड़ी पे इतना दिल आ गया इतना दिल आ गया कि मेरे को बेचैनी होने लगी कि मुझे तो यही साड़ी चाहिए कह के खाना वाना खा के जो है मेरी माँ सो गई और कहीं ना कहीं वो भी शायद जानती होंगी कि ये शैतान है एक नंबर की मेरी साड़ी से कुछ गड़बड़ ना करे तो वो अपने तकिए के नीचे रख के सोई साड़ी कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा मेरी कुराफातों का लेकिन मैं भी कम नहीं मैं गई पीछे और जाके तकिए से धीरे 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 साड़ी निकाली और काट दी और गुड़िया को पहना दी <laughs> काम खत्म <laughs> उसके बाद जो हुआ सो हुआ लेकिन मेरे को जो करना था मतलब मैं डिटर्मिनेशन जो है जो डिसाइड कर लेती थी वो हंड्रेड परसेंट करना होता था उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट हो उसकी परवाह बिना की मुझे जो करना है वो करना ही है <laughs> तो एक ये वाक्य दूसरा वाक्य था कि मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मदर को बोला कि मुझे टॉफी लेने जाना है टॉफी खरीदनी है मुझे तो बोली नहीं अभी नहीं तुम दिन भर तो खाती हो अभी एक आध दिन छोड़ो भी दांत खराब होते ही से माए करती हैं मैंने कहा कि ठीक है मैंने गई ढूंढना ढांडना स्टार्ट किया मम्मी तो खाने में किचन में खाना वाना बना रही है मैं गई और जाके मैंने वहां से सौ रुपए निकाले पूरे और सौ रुपए उस समय का हजार रुपए के बराबर था जाके और सीधी टॉफी वाले की दुकान पर पहुंची और जाके उसको बोली मुझे टॉफी दे अब वो घबरा गया सौ रुपये देख के इतनी छोटी सी बच्ची सौ रुपए लेके और टॉफी लेने आई है उसने भी बदतमीज ने मुझे टॉफी नहीं दी मेरी उंगली पकड़ी और वापस मम्मी के पास गया कि सौ रुपए लेके टॉफी लेने आई फिर डाट मार स्टार्ट तो मतलब मेरे को जो करना था ना मैंने शुरू से ही जो मेरा निर्णय है ना निर्णय पे कभी भी मैंने अपने ये नहीं किया कि इसका रिजल्ट क्या होगा मैंने डिसाइड किया हो सकता है वो गलत भी हो लेकिन मैं अपने दिल की सुनती थी कहते हैं ना कि दिल गलत भी आपको गाइड करे लेकिन सही जगह पहुंचाएगा दिमाग आपको सही भी गाइड करेगा अंत में गलत जगह पहुंचोगे तो हृदयात्मक तो पहले से ही मैं थी ऐसी शैतानियां वतानियां तो बहुत की हैं तो वो आगे शैतानिया ही जो है हमारी जो शैतानियां होती हैं हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है यही आगे जाके हमारे लिए विकास की चरम सीमाओं पे पहुंचने का कारण होता है शुरू में हमें लगता है कि शैतान है ये है वो लेकिन वही ऊर्जा तो इस्तेमाल हो रही है ना ऊर्जा तो वही है ना तो वो ऊर्जा का मैंने बचपन से ही बहुत इस्तेमाल किया है जो मुझे आज लगता है कि जिया है मैंने बचपन पूरा पूरा <laughs> ये मैंने तभी निश्चय कर लिया था जब मैं दिल्ली कथक केंद्र में एंटर हुई थी क्योंकि दिल्ली कथक केंद्र में प्रवेश का अर्थ है कि आप कथक नृत्य को अपने जीवन अंग के जैसा लेके जाने वाले वहां थोड़ी सी चूक हुई और आपका समय नष्ट हुआ तो मुझे ये था कि मैं एक छोटे परिवार से आ, मतलब छोटे शहर से आ रही हूँ और एक मिडिल फैमिली से आ रही हूँ और मेरी माँ ने कितने जद्दोजहद के साथ मुझे यहाँ तक लेकर आई है जबकि विरोध था मेरे घर में डांस को लेकर सब तरफ से विरोध था लेकिन जो मेरी माँ थी उन्होंने निर्णय ले लिया था कि जो मेरी बेटी करना चाहती है वो करेगी ही करेगी तो एक मात्र वो थी जो मेरे साथ अपने जो सपने थे वो साथ साथ हम दोनों चला रहे थे तो उन सब चीजों को देखते हुए जब कथा केंद्र में मैंने प्रवेश लिया तब मैंने निर्णय ही कर लिया था कि मुझे यहाँ से कुछ करके ही निकलना है मतलब मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना क्योंकि मेरे पास समय कम है और सीखना ज्यादा है क्योंकि मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है और मैंने कोई बचपन से नहीं सीखा मैं चौदह साल की थी जब मैं कथा केंद्र पहुंची थी और वहां जो कथा केंद्र में आए हुए थे वो सात सात आठ आठ साल से ऑलरेडी डिप्लोमा पास करके पांच साल कर चुके और मुझे एडमिशन डायरेक्ट मिला डिप्लोमा ऑनर्स में यानी पांच साल पहले से जो सीख रहे हैं उनके ऊपर मुझे नाचना है तो मुझे जो चैलेंज था तो वो तो वहीं से स्टार्ट हो गया था तो मुझे ये था कि मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना क्योंकि एक बार मैं पास आउट हो गई तो मैं वापस से भी नहीं कर सकती उसको तो ये मैंने पहले साल ही अच्छे से समझ लिया था तो मैंने अपना एक सेकंड भी कथा केंद्र में व्यर्थ नहीं किया आज मैं ये बात कह सकती हूँ एक सेकंड भी नाच को पिया नाच को जिया नाच को जाना माना नहीं जाना उसमें अपने प्राण प्राण फूकने की मैंने कोशिश की है के ये अब मैं ना पता है मैं विवादों में आई जाती हूँ कहीं ना कहीं से प्रश्न लेके आ जाते हैं मुझे मैं क्या करूं सच में ऐसा हो, हुआ था कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था कथा केंद्र में वो इंटरव्यू महाराज जी ने लिया महाराज जी स्वयं उस वक्त इंटरव्यू में बैठे हुए थे और एकमात्र वही बैठे हुए थे तो मैं क्योंकि दो साल नंदनी सिंह जी से सीखी हुई थी तो जो सीखा था मैंने अपने शुद्ध तरीके से वो उनके सामने रख दिया तो मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ मुझे डिप्लोमा ऑनर्स में लेटर आया कि डिप्लोमा एंड ऑनर्स की ट्रेनिंग के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है तो फिर मुझे उसमें पता चला कि मुझे महाराज जी की क्लास में डाला है बिरजू महाराज जी की क्लास में मुझे अपॉइंट किया गया है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से ही मैं अपने निर्णय के प्रति बहुत जिद्दी थी हालांकि मुझे कुछ पता नहीं होता था बचपन में तब भी मैं शरारते करते हुए अपने दिल की सुन के जिद्दी होती थी यहां भी मैंने वही किया मैंने कहा कि मैंने तो इंटरव्यू जो दिया है वो राजेंद्र गंगानी जी के लिए दिया है जयपुर घराना ही मुझे कंटिन्यू करना है हालांकि ना मैंने गंगानी जी को देखा ना मैं उन्हें जानती हूँ ना मैंने उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा मैंने सिर्फ उनका नाम सुना और मुझे किसी ने कह दिया सीखना है तो उनसे सीखना क्योंकि मैं जयपुर घराना ही सीख रही थी, थी ना तो उसी में उन्होंने बोला कि अब वो सीखना है तो उनसे सीखना लेकिन मुझे महाराज जी के उसमें मिल गया अब मैं परेशान हो गई तो मैं ऑफिस में गई तो ऑफिस में उन्होंने बोला कि आपको महाराज जी की क्लास में अपॉइंट किया गया है तो आप अपनी क्लास एक जुलाई या पंद्रह जुलाई होगी शायद उसी समय शुरू होता है सेशन आप वहां से स्टार्ट कीजिए डेट से मैंने कहा नहीं मैं कहा मुझे तो उनसे सीखना है मैं ये निर्णय करके आई हूं तो उन्होंने बोला अरे आपको इनकी क्लास में डाला है ना मैंने कहा नहीं घरने की तो बात ही नहीं है घराना लखनऊ जयपुर का भी प्रॉब्लम नहीं है मैंने डिसाइड किया है इनसे सीखना तो फिर मैं अभी उनसे क्यों सीखू बोली अजीब लड़की है लो, हम महाराज जी की क्लास में किसी को देते नहीं है इसको दे दिया तो इसको परेशानी हो रही है बोले अब चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये महाराज जी ने खुद ने डिसाइड किया है अब आप जाइए महाराज जी के पास जाके लेटर लिखवा के लाइए अगर वो लिखेंगे तो ही कुछ होगा वरना नहीं होगा और सारे हंस रहे थे मेरे ऊपर पूरा स्टाफ हंस रहा है कि ये पहली एक ऐसी है लोग चाहते हैं कि महाराज जी की उसमें हो जाओ ये कह रही है कि अच्छा मुझे भी कारण नहीं पता था मैं सच बताऊं इसमें मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनका अपमान कर रही हूं मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं क्या मैंने जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया बस मैं ऐसी थी अब महाराज जी के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं पता था लेकिन इतना पता था कि बिरजू महाराज जी हैं और बहुत नाम है उनका और उनसे सीखना बहुत बड़ी बात है ये पता था मुझे लेकिन डिसाइड जो कर लिया दिमाग में और वो जिससे सीखने जा रही हूँ उनके बारे में कुछ भी नहीं पता उन्हें देखा भी नहीं कभी लेकिन उन्हीं से सीखना है मैं गई महाराज महाराज जी जी के पास में तब छोटे एक बैठक नुमा कमरा होता था हमारी क्लास के बगल में जहां हमारी क्लास बाद में हुई तो उसमें बैठे हुए थे तो मैं महाराज जी के चरण स्पर्श करते हुए मैंने उनसे विनती की मैंने कहा महाराज जी मुझे आपकी क्लास में अपॉइंट कर दिया गया है बोले हाँ हाँ मुझे याद है तुम्हारा इंटरव्यू हमें हमने तुम्हारे क्लास तुम्हारा मेरे क्लास में हुआ है ना मैंने कहा मैंने कहा महाराज जी आपकी क्लास में हुआ है मैंने मैंने बहुत चरण स्पर्श करके करके वंदन कर पूरा हाथ ऐसे जोड़ के मैंने कहा कि महाराज जी लेकिन मुझे उनसे सीखना है क्योंकि मैंने पहले से निर्णय लेके ही मैंने इंटरव्यू दिया था और मुझे पता होता तो मैं वही बोल देती लेकिन मैंने निर्णय ये किया है कि मुझे उनसे सीखना है महाराज जी कहते हैं अरे क्यों तुझे मुझसे नहीं सीखना मैंने कहा जी ऐसा हो सकता है कोई मना करे आपसे सीखने के लिए कोई ऐसा होगा मैंने कहा लेकिन मैंने पहले निर्णय उनके लिए ले चुकी हूं मैं लेकिन अगर मुझे समय मिला और परमात्मा ने कभी चाहा तो मैं आपके पास जरूर सीखूंगी और जरूर आऊंगी लेकिन अभी तो मैं नादान सी हूं थोड़ा पक जाऊं और जहां निर्णय लिया है वो अपने निर्णय पे थोड़ा कुछ तो काम करूं फिर आपके पास पहुंचूंगी तो मेरा सौभाग्य होगा आपसे सीखना लेकिन अभी तो मुझे वहां दे दीजिए तो हंसे जोर से और हंस के उन्होंने फिर वो लेटर पे जो है साइन वाइन किया के हाँ ठीक है इसको गंगानी जी की क्लास में दे दिया फिर मैं ऑफिस में गई वहां दिया देकर मैं अगले दिन जब क्लास में पहुंची तो वहां पे क्लास में सब बैठे हुए हैं सारे तो अब मैंने तो उनको देखा नहीं ना मुझे पता था उनके बारे में सूरत कैसी शक्ल कैसी मुझे कुछ भी नहीं पता बस ऐसे ही तो मैं गई मैंने कहा गुरुजी कौन है ये बैठे ना मैंने कहा ये तब तो मुझे सच्ची में कसम से मेरे अंदर ना धक हो गया मैंने ये तो लड़का नुमा इसके शिष्यों में और गुरु में कोई फर्क ही नहीं लग रहा तो मैंने कहा पब मुझे लगा मैंने कोई गलती कर दी शायद <laughs> मैंने देखा ना जाना ना कुछ अचानक से लड़का सामने आ जाए okay, वो गुरु है तब तो मुझे धक्वा। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने आज तक जितने निर्णय लिए हैं कोई भी गलत नहीं हुए तो मुझे भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अब जो हो गया सो गया अब इनसे तो ना साइन करा के कुछ और कराना है अभी तो आगे बढ़ना है बस तो फिर मैंने निर्णय लिया कि ठीक है कोई बात जो है सो है वहां से मेरी उनके पास फिर यात्रा मैंने गंगानी जी के पास स्टार्ट की ऑनर्स पूरा किया फिर पोस्ट डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया पांच साल जो है उनके अंडर में मैंने सीखना सीखा अच्छे से सच में बताओ कथक ही सीखती रही बंगाली मार्केट तो तब जाती थे जब आ, ट्यूशन करती थी उसकी जो सैलरी मिलती थी उससे अच्छा खाना खाने के लिए बंगाली मार्केट जाके पनीर डोसा खाया है मैंने बस पनीर डोसा वो भी नाथू स्वीट से वो भी एक ही दिन जिस दिन सैलरी मिली है मुझे ट्यूशन की उस दिन या फिर स्कॉलरशिप मिलती थी कथा केंद्र से मुझे तो स्कॉलरशिप वाले दिन जाके मैं पनीर डोसा जरूर खाती थी वॉक करते हुए पैदल जाती थी धीरे 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 और आराम से खाती थी क्योंकि मुझे तीसो दिन नहीं मिलने वाला है फिर <laughs> क्योंकि मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी और साथ में स्ट्रगल भी काफी था फाइनेंशियली मेरे और भी बहन भाई भाई थे तीन तो जो भी है लेकिन मजा मैंने पूरा लिया बंगाली मार्केट भी बहुत बहुत घूमी बहुत मजा लिया उसका भी नाथू स्वीट्स का जूस पीती थी कभी कभी तो वो एरिया तो फिर क्या बात है वो एरिया तो मैं सिर्फ चाहूं तो वही हर रोज जाने का मन करता है अभी भी वहां स्ट्रगल निकला है मेरा